नमस्ते साथियों, आज हम बात करेंगे रजिस्ट्री को कैंसिल किस प्रकार से कराया जा सकता है। तो इस संबंध में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर प्रकार की रजिस्ट्री कैंसिल नहीं कराई जा सकती। रजिस्ट्री कैंसिल कराने के कुछ मुख्य आधार होते हैं, तो इस वीडियो में मैं रजिस्ट्री कराने के क्या क्या आधार हैं, किस प्रकार से वो कैंसिल कराई जाएगी, कौन उसको कैंसिल करा सकता है, उसका आवेदन कहाँ करना है, उसके लिए क्या दस्तावेज चाहिए, उसमें खर्चा कितना आएगा, समय कितना लगेगा, और अंत में मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पर बात करूंगा। देखो, ये रजिस्ट्री आप चाहे मकान की हो, प्लॉट की हो या खेत की हो, कोई भी पंजीयन दस्तावेज हो, उसको कैंसिल करने के संबंध में ये वीडियो बना रहा हूं। तो सबसे पहले तो अपन जानेंगे कि रजिस्ट्री कैंसिल कराने के क्या क्या आधार है। तो सबसे पहला आधार तो है कि जिस व्यक्ति ने रजिस्ट्री कराई है उसने अपनी स्वतंत्र सहमति के बिना रजिस्ट्री कराई है, यानी कि जिस व्यक्ति रजिस्ट्री कराने गया है उसने अपनी स्वतंत्र सहमति नहीं दी। अब स्वतंत्र सहमति किस प्रकार से नहीं दी, कि जैसे मान लो कि है राम, ठीक है, इसने मोहन के नाम पर रजिस्ट्री करी, तो मोहन ने क्या किया, पहला कारण तो क्या हो सकता है कि राम को धोखे में रख के रजिस्ट्री करवा दी। धोखे में रख कर कैसे करा सकता है, कि जैसे राम एक बीघा की रजिस्ट्री कराने गया और मोहन राम पढ़ा लिखा नहीं होने से मोहन ने क्या करा दी, 3 बीघा की रजिस्ट्री करा दी। एक प्रकार से ये हो गया, धोखे में रखा उसको। दूसरा, राम को बेच, राम के पास 2 प्रॉपर्टी है, 1 बीघा जमीन यहाँ पर भी है और 1 बीघा जमीन यहाँ पर भी। ये जमीन रोड के आसपास है, ये जमीन रोड से दूर है। राम ये रोड से दूर वाली जमीन बेचने गया था और उस मोहन ने धोखे से रोड वाली जमीन के नंबर डलवा कर रोड वाली जमीन अपने नाम पर करवा दी। तीसरा कारण होता है कि राम को कोई जमीन बेचनी नहीं थी, मोहन उसको ले गया, मैं आपके पेंशन शुरू कराता हूँ या मैं आपके कोई डॉक्यूमेंट बनाता हूँ या जन्म मूल आय, किसी भी प्रकार के बहाना करके वो उस व्यक्ति को पंजीयन कार्यालय ले गया और पंजीयन कार्यालय ले जाकर उसने क्या किया, धोखे से रजिस्ट्री करा ली। यानी कि पहला कारण तो अपना ये हो गया कि जो व्यक्ति रजिस्ट्री कराने गया था उस व्यक्ति की रजिस्ट्री कराने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, या जो इच्छा थी वो जिस जमीन को बेच रहा है उस जमीन को बेचने की उसकी इच्छा नहीं थी, मगर सामने वाले ने धोखे से उससे रजिस्ट्री करा ली। देखो, एक बात और इसमें आती है, असम्यक असर। असम्यक असर का मतलब होता है जैसे ये जमीन है, ठीक है, इस जमीन को इस मोहन ने कहा राम को कि साहब ये राम मेरे को जमीन बेच दो। अब मोहन और राम के मध्य इस प्रकार का संबंध है कि राम उसको मना नहीं कर सकता। जैसे गुरु चेले का हो गया, ठीक है, या फिर इस प्रकार का संबंध है जैसे किसी डॉक्टर का हो गया और किसी मरीज का हो गया, या राम इस प्रकार की स्थिति में है कि मोहन पर पूर्ण रूप से निर्भर है, इसने इसके माइंड को पूरा एक तरफ से अपने कब्जे में कर लिया है, उस परिस्थिति में राम ने अगर मोहन के नाम पर रजिस्ट्री कराई है तो भी उसे स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाएगी और इस कारण ये रजिस्ट्री भी कैंसिल हो सकती है। एक तीसरा कारण और है, कपट से करा ली भाई, किसी भी प्रकार का कपट करके कराई है मतलब तो भी रजिस्ट्री कैंसिलेशन मानी जाएगी। और एक और है भूल, भूल के कारण मतलब क्या हुआ कि रजिस्ट्री इस खेत की करानी थी, दोनों सहमत है, दोनों को पता नहीं, दोनों यही समझ रहे हैं हाँ इस खेत की करा रहे, वो समझ रहे इस खेत की करा रहे, मगर गलती से दूसरे नंबर पर गए, यानी कि भूल बस जिस खेत की रजिस्ट्री कराने गए थे उस खेत की रजिस्ट्री नहीं होकर दूसरे खेत की रजिस्ट्री हो गई, तो वो भी कैंसिल हो सकती है। तो ये कहाँ लिखा हुआ है भाई, ये कहाँ लिखा हुआ है वो कैंसिल हो जाएगी, तो ये लिखा हुआ है संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 14 में, ठीक है। फिर कौन सी है और क्या आधार है दूसरा, मान लेते अपन कोई व्यक्ति जैसे ये है राम, ठीक है, इसने मोहन के नाम पर रजिस्ट्री, अब इसकी स्वतंत्र सहमति से करी, इसमें तो स्वतंत्र सहमति नहीं थी, धारा 14 ये कहती है कि स्वतंत्र सहमति नहीं थी तो रजिस्ट्री कैंसिल होने का आधार है, मगर यहाँ पे स्वतंत्र सहमति राम की थी, मगर राम की स्थिति ऐसी है कि वो स्वतंत्र सहमति देने के योग्य नहीं है तो भी वो रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। कैसे, जैसे राम पागल है, यानी वो पागल व्यक्ति है, अगर कोई राम नाम का व्यक्ति या श्याम नाम का व्यक्ति पागल है जो रजिस्ट्री करा रहा है और उसने पागलपन के समय कोई रजिस्ट्री करा दी है तो कैंसिल मानी जाएगी। किसी व्यक्ति को पागलपन के दौरे पड़ते हैं, ठीक है, वो हमेशा पागल नहीं रहता है मगर कभी कभी पागलपन के दौरे पड़ते, तो जब पागलपन के दौरे पड़ रहे थे उस समय उसने कोई रजिस्ट्री करी है तो भी वो रजिस्ट्री कैंसिल कराने का आधार बन जाता है। या मान लो जिस व्यक्ति ने रजिस्ट्री करी है, राम ने करी, मोहन ने करी, उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है,
यानी 16 वर्ष ही है मगर गलती से उसने जो सामने वाले ने गलत डॉक्यूमेंट बना दिए, उसकी उम्र बढ़ा दी, उम्र में कोई छल कपट करके बढ़ाकर वो समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या कर रहा हूँ, और उसने रजिस्ट्री करवा दी तो वो रजिस्ट्री भी कैंसिलेशन हो जाएगी। फिर बताता हूँ मैं कि तीसरा आधार जो है वो है कि जिस व्यक्ति ने जमीन बेची वो उस जमीन का मालिक ही नहीं था तो भी वो रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। जैसे कि ये जमीन मोहन के नाम है, ठीक है। अब मोहन ने किसको बेची, हीरा को बेच दी, मगर मोहन इस जमीन का मालिक ही नहीं था तो भी ये रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। रजिस्ट्री किसके नाम पे थी, जमीन किसके नाम पे थी, राम के नाम पे। तो राम के नाम पे तो आपके मन में प्रश्न आएगा मोहन ने कैसे बेच दी, तो मोहन खुद राम बन गया, यानी कि मोहन ने अपने आधार कार्ड में गड़बड़ी करके या अपने दस्तावेजों में किसी प्रकार गड़बड़ करके डुप्लीकेट रूप से यह व्यक्ति बन गया था, राम बन गया था, और उस आधार पर उसने 400 BC यानी धोखा करते हुए हीरा के नाम पर रजिस्ट्री करा दी तो भी ये राम इस रजिस्ट्री को कैंसिल करा सकता है। राम कह सकता है साहब मैंने तो करे ही नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने मोहन बेची उस व्यक्ति वो मालिक ही नहीं था, ठीक है। ये भी हो गया। ये ज़्यादातर जो व्यक्ति एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का रूप लेकर या दूसरे व्यक्ति के नाम के डॉक्यूमेंट बनाकर जमीन को बेच देते हैं, ऐसा लगभग लगभग बड़ी बड़ी सिटियों में होता है। गांव में तो सारे लोग एक दूसरे को पहचानते हैं, इसलिए वहां पर इस प्रकार की संभावना होने की संभावना बहुत कम है। और फिर चौथी बात करते हैं अपन प्रतिफल, यानी कि जैसे कि ये जमीन मैंने बेची, मान लो राम ने बेची मोहन को, तो राम को कोई पैसा नहीं मिला, ठीक है, तो भी राम उस रजिस्ट्री को कैंसिल कराने का हकदार होगा। मगर इसमें सुप्रीम कोर्ट का यूं कहना है कि राम को अगर रजिस्ट्री में कोई समय नहीं लिख रखा है, ठीक है, और राम को पैसा नहीं मिला है, तो राम पैसे लेने के लिए मुकदमा कर सकता है। ये नहीं कह सकता कि साहब मेरे को पैसा नहीं मिला इसलिए रजिस्ट्री कैंसिलेशन कराओ, यानी कि राम को पैसा लेने का अधिकार है मगर रजिस्ट्री कैंसिल कराने का अधिकार नहीं है। केवल अगर पैसों की बात है और रजिस्ट्री में कोई कंडीशन डाल रखी है कि मैं एक महीने में दे दूंगा, दो महीने में दे दूंगा या इतने समय में दे दूंगा, उतने समय पैसा नहीं दिया तो उसको कैंसिल करा सकते हैं। तो ये हो गए रजिस्ट्री कैंसिलेशन के मुख्य मुख्य आधार हो गए। देखो इसमें क्या होता है, विक्रय क्या है, विक्रय क्या है, कीमत के बदले किसी संपत्ति का विनिमय। आप कीमत दे रहे हो, सामने वाला संपत्ति दे रहा है, कौन सा हो गया यह संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 में लिखा हुआ है। जब कीमत ही नहीं मिली तो विक्रय हुआ ही नहीं, विक्रय नहीं हुआ तो पंजीयन ही कैंसिल होगा, इस आधार पे इसको माना जाएगा, ठीक है। फिर अपन बात कर रहे थे कि रजिस्ट्री को कैंसिल कौन करा सकता है। जैसे मान लो रजिस्ट्री कराने वाला व्यक्ति खुद है, उसको पता चल गया कि उसके साथ इस प्रकार से धोखा हुआ है, या जब उसने रजिस्ट्री करी सहमत नहीं था तो वो खुद कर सकता है, यानी वो खुद ही कोर्ट में आवेदन कर सकता है। दूसरा, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है या वो पागल है तो उसके वारिस, उसके पुत्र या पुत्री कोई भी हो, वो भी रजिस्ट्री कैंसिलेशन का आवेदन न्यायालय में कर सकते हैं। यानी कि जैसे मान लो कि राम ने रजिस्ट्री करी और राम का स्वर्गवास हो गया, मान लो उसके जो भी वारिस है, पुत्र है पुत्री है, उनमें से कोई भी, जैसे वो राम के दो लड़के हैं या तीन लड़के हैं, तो दोनों लड़कों की सहमति जरूरी है। मान लो कि एक व्यक्ति एक लड़का भी चाहता है कि मैं ही करना चाहता हूँ, वो खुद भी करा सकता है, उसकी पत्नी भी करा सकती है। इस प्रकार से रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए या तो राम खुद कराए, जिसने जिस व्यक्ति ने के साथ धोखे से रजिस्ट्री हुई है, जिसकी बिना सहमति हुई वो खुद कराए, या उसके वारिस कोई भी कैंसिलेशन का आवेदन कर सकता है। फिर आवेदन कहाँ होगा, तीसरा प्रश्न, कि आवेदन होगा सिविल न्यायालय में, ठीक है, सिविल न्यायालय। कौन सा सिविल न्यायालय, जो न्यायालय इस जमीन, जैसे यह जमीन मेरी, जैसे मान लो मेरी जमीन ये खरसान में, ठीक है, तो खरसान के जो सिविल न्यायालय लगता है उस न्यायालय में मैं आवेदन करूंगा। जैसे मैं उदयपुर रहता हूँ तो उदयपुर न्यायालय में नहीं होगा, कौन से होगा, जहाँ जमीन है। तो मेरा जैसे वल्लभ नगर सिविल न्यायालय वल्लभ नगर लगता है तो कहाँ करूँगा मैं, वल्लभ नगर जिला उदयपुर में, तो मुझे इस कोर्ट में आवेदन करना होगा। अब अपन बात करते हैं कि इसमें क्या क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। तो दस्तावेज की एक तो जरूरत पड़ेगी रजिस्ट्री, दूसरा दस्तावेज जो कोई भी होगा कि आपके साथ धोखा हुआ, छल हुआ, कपट हुआ, किसी प्रकार की वो बात जो बात आप सिद्ध करना चाहते हो
उस संबंध में आपके पास कुछ दस्तावेज, जैसे उम्र का था तो उम्र के संबंध में, कोई पागल है तो पागल व्यक्ति है तो उसके पागल में कोई इलाज चल रहा हो तो उस संबंध में कोई डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट साथ में लगाने हैं, या उसने कोई पैसा देने के लिए कहा, कोई चेक दिए, बाउंस हो गए, उस प्रकार का डॉक्यूमेंट आपको साथ में लगाना है। मगर ये जो आधार बताए, इस आधार को सिद्ध करने का भार आप पर रहेगा, यानी जो कहता है रजिस्ट्री कैंसिलेशन कराओ उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ। साक्ष्य अधिनियम में 101 से 104 तक जो प्रावधान है सेक्शन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब जो व्यक्ति कहता है कि भाई मेरे साथ धोखा हुआ या मैंने नहीं बेची, मैंने ये नहीं बेची, दूसरी बेची थी, तो ये उस व्यक्ति को सिद्ध कराना पड़ेगा गवाहों के माध्यम से, या जो परिस्थिति थी उस परिस्थिति को कोर्ट में सिद्ध कराने का बार जो व्यक्ति कोर्ट में कहता है उसके ऊपर है। फिर आएगा कि भाई दस्तावेज हो गए, फिर खर्चा कितना आएगा। रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए आपको कोर्ट फीस भरनी पड़ेगी। जितने रुपए की रजिस्ट्री है, ठीक है, उस रजिस्ट्री में 1,00,000 पर कम से कम 3,500 रुपये, 3,300 से लगाकर 3,500, अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, पर जनरल ये कैंसिलेशन के लिए फीस लगेगी। अब इसमें आपका प्रश्न होगा कि साहब हमने तो रजिस्ट्री तो 10,00,000 में करी थी, मगर रजिस्ट्री में 1,00,000 ही लिखा, लिए तो 10,00,000 थे या 5,00,000 थे, तो आपको कैंसिलेशन क्या करना है, जो रजिस्ट्री में लिखा वही मान्य होगा। फिर होगा इसमें समय कितना लगेगा। समय है तो इसका सिविल मुकदमा पूरा चलेगा 3 से 4 साल, तो कम से कम आप मान के चलो। यहाँ हो सकता है कि आपके पास कोई पक्का प्रूफ हो तो जल्दी हो जाए। फिर आएगा कि इसमें वकील खर्चा कितना आएगा, तो अलग अलग वकीलों का अलग अलग खर्चा है। 10,000 रुपये से शुरू होगा जो 1,00,000 रुपये तक ही हो जाता है, जितने सीनियर एडवोकेट होंगे या जितने फेमस होंगे उतने लेंगे, तो जनरली 10-15-20 हज़ार रुपये में यह मामला हो जाएगा। फिर आपके मन में प्रश्न उठेगा, क्या हर प्रकार की रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है, तो नहीं, हर प्रकार की रजिस्ट्री कैंसिल होती है तो लोग यही करते ना, जमीन पहले बेच देते, पैसे लेते, फिर जमीन की कीमत बढ़ती, फिर कैंसिल करा देते। तो ये जो मैंने आधार बताए, इन चारों आधारों में से कोई आधार है और वो आधार आप कोर्ट में सिद्ध करवा सकते हो तो ही आपकी रजिस्ट्री कैंसिलेशन होगी। कैंसिलेशन में आपको क्या लिखना है, सिविल मुकदमा है, जनरली आपको सिविल एडवोकेट करना पड़ेगा, मैं सारी लिख के बताऊंगा तो भी, क्योंकि आपको एडवोकेट तो करना ही है। जनरली ये लिखना होता है कि आपके पास किस प्रकार से जमीन बेची, उस जमीन का दस्तावेज, जमीन का वर्णन, उसके पड़ोस, और बाद में आप मकान है तो मकान का पड़ोस, मकान का वर्णन, फिर लिखना होता है कि इस प्रकार से धोखाधड़ी हुई, ये बात आपको उसमें लिखकर कोर्ट फीस जो भी स्टाम्प लगकर कोर्ट में पेश करनी पड़ती है। तो अगर आपका मामला कंप्लीट है और आपके पास पक्के दस्तावेज, तो जनरली रजिस्ट्री कैंसिलेशन हो जाती है। ऐसा नहीं है कि कैंसिलेशन का दावे है, कई बार रजिस्ट्री कैंसिलेशन होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मैं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाउत, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, थैंक यू।